आप देख सकते हैं सारण जिला का सुनो बाजार है, जहाँ पे बेवजह लगन भी नहीं है, ओवरटेकिंग चालन के तौर पे यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से सुनो चौक आधे घंटे से ज़्यादा से जाम चल रहा है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने के चलते यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है कब से यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। ओवरटेकिंग का जो सवाल है उसके चलते जो परेशानियाँ आ रही है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी तक जो है यहाँ पे जाम लगा हुआ है। लोग अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं और चारों तरफ इसको देखा जाए तो सीवान शीतलपुर स्थित 73 और छपरा मुजफ्फरपुर NH 722 जो है इसका संगम चौक जो है सुनो चौक है, इस चौक पे जो है पूर्ण रूप से जाम लगा हुआ है और यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था शायद नहीं है इसलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और कोई प्रशासनिक गाड़ी आई हुई है जिसको राहत मिल रही है लोगों को, प्रशासन द्वारा उसको हटाया जा रहा है। लगभग एक घंटे से ज़्यादा समय से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे जाम लगा हुआ है NH 722 और सिवान शीतलपुर SA 73 पर जो है इसका नज़ारा देख सकते हैं। ये छपरा सिवान गोपालगंज जैसे नहीं, शहरों जैसे नहीं, बल्कि छोटी सी बाजार सोनू चौक पर जो है पूर्ण रूप से जाम लगा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जाम लगे, बड़ा ट्रक, छोटा ट्रक, वाहन, छोटे वाहन, बड़ा वाहन, बाइक सब यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग पैदल आवागमन कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा है। यहाँ ट्रैफिक के नियम के पालन के लिए पुलिस रखना अति ज़रूरी है। लगन के दिनों में तो 6-6 घंटे तक लोग इस जाम का नज़ारा देखते थे, जो फंस कर यात्री परेशान होते थे, लेकिन अभी लगन का समय ख़त्म हो गया, आज अंतिम समय है, नमाज होने वाला है। कुछ काम कर लो, क्या बोलिए, कुछ कहना है? प्रशासन अगर सही से रहता तो कुछ होता है, प्रशासन वो उधर अपना खैनी खाता है, जब जाम लगता है तब कुछ क्या आता है? क्या कहना चाहिएगा एसपी साहब से? एसपी साहब ड्यूटी करे ठीक से, और क्या कहेंगे, सजा क्या कर सकते हैं? छोटी सी बाजार है, सुनो चौक इतना जाम लगा है, अपना ड्यूटी करे ठीक से। देख लीजिए यहाँ पे एक यातायात जो था यात्री थे जा रहे थे दरियापुर, उनका क्या परेशानी था देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे निकाला जा रहा है, किस तरीके से परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है आप देख सकते हैं।